करती है? सबके सामने हाथ क्यों पकड़ा? तू कहे तो अकेले में पढ़ लूं। हाय रब्बा, नशे करके कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई तुझमें? और तुझे किसने कहा मैं नशे में हूँ? तेरा हाथ मैंने होशो हवास में ना सबके सामने पकड़ा था। बोल, है ना हिम्मत वाली बात? हट परे। ओए यार, चलेगी मेरे साथ कॉफी हाउस? कॉफी हाउस? मैं अमृत को बता दिया। अमृत को नहीं बताना, सिर्फ तू ते सिर्फ मैं, और कोई नहीं चाहिए। ना किसी से पूछना है, ना किसी को बताना है, सिर्फ तू सिर्फ मैं, बस बस। ओए इधर, ओ इंतजार करूंगा मैं तेरा। 6 बजे कॉफी हाउस है। अरे वशमा, ते मेरी गल सुन, समय रहते इनकी तिजोरी साफ कर और चल मेरे नाल, तब बनेगी तू असली मालकिन। इसका मामा तो सच में शकुनी मामा निकला। रब 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 रब, वो सोच की रही है कुड़िये, चल मेरे नाल, तिजोरी जल्दी जल्दी साफ कर, मामा भांजी जिंदगी भर ऐश करेंगे। मामे निकल जा, अभी के अभी निकल जा यहाँ से और अपना रास्ता ना। मेरी गाल तो सुन कुड़िये। गल सुन ली तेरी मामे और समझ भी ली, अब तू मेरी गल सुन। तेरे तेरे वो पैसे वाले कटोरे में से एक आना भी निकालते थे तो तू क्या बोलता था मामे, कि जो पालता है पोसता है सवारता है उसके घर कभी चोरी नहीं करते, और तू मुझे बोल रहा है कि मैं अपने पति जी के घर पे चोरी करूं? ए मामे, पति ना परमेश्वर होता है, और ना ही मैं अपने परमेश्वर के घर चोरी करूंगी और ना किसे करने दूंगी। याद रख, अरब कबूतर बनकर उड़ जाया से, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तूने मैनु 18 साल तक पाल पोस कर वट्टा किया है। चंगा, जैसी तेरी मर्जी, ये ले लो। मामे, ओ मामे रुक, वो चीज दे जो तूने अभी उठाई मेरे घर से। मेरे घर से तुझे मैं एक सुई भी उठाने नहीं दूंगी, और हां, मेरे घर पर अगर तूने गंदी नजर डाली ना तो ये बात याद रखना कि तूने मैनू सिर्फ रस्सी पे चलना नहीं सिखाया, मैनू चाकू छुरी चलाना भी सिखाया, समझे? नमस्ते। मुगर बेचारे की करे, मौके का फायदा चकती फिरे। राधा रानी, इससे पहले तू इस घर के मालकन बने, तुझे रस्सी पे चलने वाली मदारन दोबारा बना देना मैंने। रब रब रब, कहाँ जा रही है बेटा? वो अम्मी, मेरी एक सहेली के घर पे जा रही हूँ, सब मिलके दुआ पढ़ने वाले ना, तो बस वहीं जा रही हूँ। पढ़ने दुआ जा रही है, लेकिन कपड़े ऐसे पहन रखे हैं जैसे किसी दावत में जाना है। वो क्या है ना अम्मी, दुआ पढ़ने के बाद जब सारी लड़कियां बुरखे उतार देती है ना, तो सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते, तो मैंने सोचा जरा मैं भी आज अच्छे से तैयार हो जाऊं। ठीक है, जा। अरे अरे संभल के, इतनी भी क्या हड़बड़ी है?
कुछ नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फशमा तो अपनी किसी सहेली के यहाँ पर गई है। अगर झूठे रंजन को देखना है तो रेडियो स्टेशन तो जाना ही होगा मुझे, पर बहाना क्या बनाऊं? मम्मी जी, ये सत्संग भवन ये पड़ता कहाँ पे? मीना मासी कह रही थी कि रेडियो स्टेशन के एकदम बगल में है। रेडियो स्टेशन? अब मम्मी जी, हाँ मेरा भी बड़ा मन कर रहा है आप लोगों के साथ चल के सत्संग सुनने का। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं भी चलूं? ये तो बड़ी चंगी गल है, चल तू भी साडे नाल चल। आजा चल, आजा आजा आजा। कितने सारे पैसे हैं, दोनों गिलाफ भर गए। ओए की करती पैया? हेलो, अब तो हम इसे तिजोरी में भर देंगे ना, ताकि कोई चोरी ना कर पाए। बाऊजी कहते हैं कि इन अशर्फियों में बड़ी बरकत है, शिव जी की कृपा से किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती इन पे। और हाँ, अगर कोई चोर इन्हें चुराने की कोशिश करेगा ना तो उसके हाथ जल जाएंगे। हाय सच्ची? हाँ, और एक बात, ये अशर्फियाँ खुद ब खुद घर वापस आ जाएंगी। एविगल सही है। हेलो, रब 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 रब। हेलो जी। चल शाबाश। मारेगी मैनू? माफी जी, माफी है, तैयार हो गया इलो जी। हेलो, ये ऐथे है। ओ तेरा हाथ जल जाना मर जानी है। जी पर ये कोयला तो ठंडा पड़ गया है, आप गुड़गुड़ाओगे कैसे अगर ये गर्म नहीं होगा तो? दोबारा भर के लाती हूँ जी इसे। ओए 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 ओए, रब 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 रब। नई परजाई तो बड़ी खुश नजर आ रही है। ओ हाँ, तो मामा आया सी ना आज, इसीलिए। उसका मामा आया था, मुझे तो नहीं बताया। बताया नहीं? बताने वाली कोई गली नहीं होगी, नहीं तो पूरा दिन बक बक करती रहती है। वैसे इसके मामे ने ना इसको कुछ तो दिया था लपेट चपेट के, और कह रहा था कि जब मौका पड़े ना तब इस्तेमाल करना। बताने क्या था उसमें? कोई दवाई शवाई हो सकती है या पुड़ी शुड़ी। ओए ये कोई बात छुपाने वाली है। अरे मेरी नई परजाई, आज तो तुहाडा मामा आया सी हां ससुराल में पहली बार, चंगे से खातिरदारी कीती ना? हां जी हां जी बिल्कुल की। और तूने बताया नहीं? ओ जी वो तो ऐसे ही बस हालचाल पूछने आए थे और बेकार की बातें करी थी, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उन पे। कोई गल नहीं प्राजी, अब मामा भांजी की कोई बात होगी अपनी, है ना सानू की। अच्छा मैं चलती, मेनू बड़े काम है। ओ किरण वाला, लो जी गुड़गुड़ाओ। जा अच्छी चाय बना के ला मेरे वास्ते, और देर तक उबालना। हाँ हो लाई जी। वो ये अशर्फियां राधा के दुपट्टे से कैसे गिरी? इसके मामे ने ना इसको कुछ तो दिया था लपेट चपेट के, और कह रहा था कि जब मौका पड़े ना तब इस्तेमाल करना। बताने क्या था उसमें? जी
आपकी गरम गरम चाय। अच्छे से उबाल कर लाइयो जी, आपके लिए है, आप पी लीजिएगा। हाँ ओ जी, एक काम बाकी है, मैं हुनाई हुनाई। हाँ बोलिए, क्या चाहिए आप लोगों को? वो अब चाय 2 कप। जी 2 कप चाय। यहाँ 2 बढ़िया चाय देना। वो तो मैं ये एक मैं कर लूंगा जी। ओए तेरे ना आने से पहले ही ना तेरी खुशबू पहुंच जाती है मेरे तक। पर्दा वैसे तो कभी किया नहीं, आज ही वो भी मेरे सामने। कल कमा है तू ना सब तो सोनी कुड़ी है। कुछ बोलते हो
ये कर तब है निराले, क्यों मेरे दिल को पुछाले, मेरा दिल उड़ता जाए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ मेरा झुमका क्या लगता है कहीं गिर गया, गाड़ी में थी तब तो था, जरूर वहां से यहाँ आते वक्त ही गिर गया होगा। ध्यान नहीं रख सकती थी क्या? मम्मी जी ध्यान था तभी तो पता चल गया ना। आप लोग अंदर जाओ, मैं आती हूँ। मैं तेरे नाल चलता। नहीं 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 वीर जी, तुसी फिक्र ना करो वीर जी, तुसी मम्मी जी के साथ अंदर जाओ, उनके बैठने का बंदोबस्त करो, वरना दूरी पे बैठना पड़ जाएगा ना। मैं आ जाऊंगी। अच्छा छेती आना। हाँ जी, ख्याल रखना ठीक है। जी सुनिए। जी बोलिए। यहाँ पे रिकॉर्डिंग रूम कहाँ है जी? क्या काम था आपको? जी कहानियाँ सुनाने के लिए बुलाया था, कहा कि पसंद आई तो मौका देंगे। जी आप वहाँ जाकर इंतजार कीजिए, उन्हें हम बता देंगे। जी वहाँ? जी। शुक्रिया। तैयारी करके रख लें ठीक है। कब आएगा? लगता है यहीं से गुजरेगा वो झूठ मूठ का रांझर, बस जल्दी आ जाए, वापस सत्संग में भी जाना है, प्राची परेशान हो रहे होंगे। तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे सुंदर आंखें, तेरी आंखा इस दुनिया की सब तो सोहनिया अखा ने। एक जीना है मोहब्बत का, जिसे होकर तुम्हारे दिल में उतरना चाहता हूं। एक जीना है मोहब्बत का, जिससे होकर तेरे दिल में उतरना चाहता हूं। ओए की गल है? ओए होए होए होए, आज बड़ी शर्म आ रही है। ओए ये यदाएं तो मार जाती है मुझे। आज बड़ा शर्म आ रही है। तूने ही तो सिखाया था मुझे। मुझसे बोलने के लिए थोड़ी ना सिखाया था तुझे। अच्छा।
वैसे एक गाना भी तो सिखाया था तूने, याद है क्या था गाना? जनाब रेडी हुआ? शुक्रिया। रणधीर रायसादा अंदर गए हैं। इन्हीं के साथ तो बैठकर कहानियां सुनाता है वो नकली रांझन। इसका मतलब वो आता ही होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका रांझन और कहानियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। ये झूठा रांझन कौन है? अंदर कब गया? मैं तो यहीं बैठी थी। तो आज की कहानी है गुनाह नहीं है प्रेम। रणधीर रांझन, ये जो रांझन की कहानियां है ना लाला जी, ये कहानियां नहीं एक नई सोच है लाला जी। ये कहानियां नहीं करवटें हैं जो फिलहाल किताब के पन्नों पे अंगड़ाइयां तो ले रही है मगर एक दिन पूरी दुनिया को नींद से जगाने की काबिलियत भी रखती है। आपने सच में रांझन को ढूंढ लिया है? हाँ, आज रांझन अपनी कहानी फिर सुनाएगा। खौर से सुनिएगा, क्या पता राज नहीं रहे। इतना बड़ा झूठ, वो भी रांझन के नाम से। इतना बड़ा धोखेबाज है ये। अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं बताया कि मैं रांझन हूं। तो मुल्क आजाद होने वाला है पर अपनी आजादी का क्या? मैं तो कहता हूं कि इन अंग्रेजों के साथ साथ इन लोगों को भी निकालो बाहर। ओ भाई, कैसी बात कर रहे हो? ये लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ थी और वैसे भी इस लड़ाई में हम सब साथ लड़े हैं, तो फिर एक दूसरे को खदेड़ने की बात कहां से आई? ओ जवानों, धीरे बोलो। आजकल का माहौल वैसे ही बड़ा खराब है। बंटवारे के नाम पर पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं। पर सच्चाई ये है कि हम सबने मिलकर यहीं रहना है। हैं? चाबियो जी। क्या क्या बोल रहे हैं आप? बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अब जो कुछ भी करना है अपने मुल्क में जाकर करिएगा। ओए, ऐसी की तैसी हमें बाहर निकालने वालों की। और हाँ, रही बात अगर बाहर जाने की तो तुम लोग जाओगे क्योंकि हम पैदा यही हुए हैं और यही मरेंगे। बहुत मरने मारने का शौक है तुझे। अरे ओ भाइयों इधर आइए। ओ की करता है तू? ओ क्या क्या? ये देखो, मरने मारने की बात कर रहा है। ओ भाई इधर आ जाओ। ओ भाई इधर आओ। की करता है? देखो कैसे अकड़ दिखा रहे हैं ये। मुल्क से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं ये हमें। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन के रखी है। देखते हैं कौन रहता है कौन जाता है। ओए,
साहब जी, लाहौर में कौमी दंगे शुरू हो गए हैं। चाकू छुरियां चल गईं। क्या? हाँ। मैं रणधीर रायजादा, रुकावट के लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ। थोड़ी देर में हम फिर वापस आएंगे। ये सिर्फ एक हादसा है जिसे चंद सियासत पसंद लोगों ने दंगे का नाम दे दिया है। आप सबको सलाह दी जाती है कि कर्फ्यू के चलते अपने घरों में रहें और मेहरबानी करके अपना ख्याल रखें। पुलिस हालात पे काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपना ध्यान रखें और अपने अपने घरों में रहें। ये जो रंजन की कहानियां है ना लालच, जो फिलहाल किताब के पन्नों पे अंगड़ाइयां तो ले रही है, मगर एक दिन पूरी दुनिया को नींद से जगाने की काबिलियत भी रखती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका रंजन। हाँ बोल पुत्र, तुझे ठीक हो ना सारे? हाँ हाँ बाबूजी, हम सब ठीक हैं। हम सत्संग भवन के अंदर ही हैं। पर बाबूजी, पर क्या? अमृत का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा मतलब? कहाँ है मेरी बच्ची? बाबूजी, वो झुमके ढूंढने लगी और
शायद भीड़ की वजह से अंदर आई कि नहीं आई पता नहीं चला, पर बाबूजी आप फिक्र लो, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। पुलिस हालात पे काबू पाने की कोशिश कर रही है पर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ब्रिज पहुंच पाऊंगी मैं, इस वक्त यहां से निकल जाना बेहतर होगा। कौन हो बेटा जी? मुझे अपनी अपनी बेटी समझ लीजिए। चलो आप चलिए मेरे साथ, वरना वो दंगाई हम दोनों को मार देंगे। अच्छा यही थी वो बूढ़ी औरत। कहां गई वो बूढ़ी औरत? देखो क्या हो गया है। यही गई थी वो। ब्रिज छेदी गड्डी निकाल। ब्रिज राजरानी और भानु तो सत्संग भवन में सलामत हैं, पर मेरी अमृत का कुछ पता नहीं चल रहा। ओ राजीव उदय भी वापस नहीं आया, पर बाहर तो कर्फ्यू, जाएंगे कैसे? ऐसी की तैसी तेरे कर्फ्यू थी। तू मेरे नाल चल रहा है या मैं पैदल जाऊं अपनी अमृत ढूंढने वास्ते? रुको मैं चाबी लाता हूं। और चाबी कितने का यहीं तो रखी होती थी। यही तो मुसीबत है कुड़ियों की। जब तेरी माँ के साथ भेजा तो इधर उधर कैसे चली गई और सबनु मुसीबत में डाल देता। और चुप कर तू मोकर, एक लफ्ज भी बोले ना तो मैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? जा प्राजी के लिए पानी ला। चल 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 प्राजी आजा। लाले, मेरी बच्ची वशमा वो अब तक घर नहीं आई। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो तुम्हें फिकर ना कर डॉक्टर, रब मेर करेगा, कुछ नहीं होएगा साड़ी बच्चिया। We'll be right back.
स्टूडियो से बाहर कोई नहीं जाएगा। हालात ना बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे। आप लोग सब बेफिक्र रहें। देखिए, अब घबराएं बिल्कुल नहीं। आपको घर पे छुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। आप यहाँ के बैठिए आराम से। जी बैठ जाइए। तो अमृत का ब्रेसलेट है। इसका मतलब अमृत यहां थी। डॉक्टर, मैं इतने खड़ा रह के इंतजार नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। अरे लाले, बाहर नहीं जा सकते। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं। पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए, किसी को आगे नहीं जाने दे रही है। लाले, बाहर माहौल बहुत खराब है। हेलो। हेलो लाला जी। जी मैं रणधीर बोल रहा हूँ। हाँ बोल रणधीर पुत्र। लाला जी, बाहर का माहौल ना थोड़ा खराब हो गया है। आप लोग सब ठीक तो है ना? घर पे सब ठीक है? ओ नहीं पुत्र, उदय का अभी तक फोन नहीं आया। हॉकी मैदान ही गया होगा। ठीक ही होगा। और अभी हम वश्मा भी नहीं आई और उधर अमृत की भी कोई खबर नहीं है। राजधानी और भानु सत्संग भवन गए थे। अभी भानु का फोन आया था, कह रहा था कि अमृत का कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब अमृत घर पे नहीं है। अच्छा लाला जी, आप लोग सब अपना ध्यान रखें। जी आप लोग सब यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। अरे सर, कहां जा रहे हो आप लोग? वतनावे ओ मेरिया वतनावे वतनावे। इस हालात में अमृत कहाँ होगी? कहाँ ढूंढूंगा उसे? तुझे पानी पूछेगा, फसले सींचेगा, कौन तेरी माटी में ठंडी छांव बीजेगा। पैरी काट के चाचा प्राजी, और प्राजी, मैंने मैंने थाने फोन लगाया था, वो तो टारमक टोल कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे हमसे ज्यादा मजबूर हो। ये मतलब? पता नहीं प्राजी, एक तो अमृत का पता नहीं चल पा रहा, ऊपर से उदय भी घर नहीं लौटा।
माँ, जदों तक मेरे परिवार के सारे लोग सही सलामत वापस नहीं आ जाते, सौ है मैनू आपकी, इस आग में मेरी हथेली पैसे ही जलते रहने। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।